उत्तराखंड के पछवाधुन क्षेत्र में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर बह रही है, जिसमें यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में विकास नगर के पुल नंबर 1 के क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू के बीचों बीच 12 लोग फंस गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर तहसील प्रशासन ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया। वहीं तहसील प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को मौके के लिए रवाना किया। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 12 जिंदगियों, जिसमें 6 पुरुष, 2 महिलाएं, 3 बच्चे और एक 8 महीने का शिशु शामिल है, उनको फंती नदी के से सकुशल रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि ये लोग यमुना नदी से रेत बजरी छानने का काम करते हैं, जो इन दिनों यमुना नदी किनारे एक टापू पर अस्थायी तौर पर अपना डेरा बनाकर रह रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।